अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान और अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है वो क्वेश्चन जिसमें आपको पता चलेगा कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो ग्रामर रूल हो चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो, तो हम उसमें जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो सबसे पहले ए का ही डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करते हैं, ए एक्स का पहले डिटर्मिनेंट क्यों नहीं फाइंड कर लेते, या ए वाई का पहले डिटर्मिनेंट हम क्यों फाइंड नहीं कर लेते, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये है 5 और ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर रूल से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं वेरिएबल के साथ जो लिखे हमें एक्स और वाई के साथ। तो हम यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये लिख दिया। वाई का कोफिशिएंट है -2, तो इसको लिख दिया। फिर x का कोफिशिएंट है -6, तो इसको लिख दिया। y का कोफिशिएंट है +4, तो 4 लिखेंगे, प्लस मेंशन नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ गया, अब क्या कर लिया हम, कोफिशिएंट तो हमने लिख लिए, अब हम वेरिएबल को अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x और y। तो ऊपर x है और नीचे यहाँ पर ये y है, इसको तो हमने लिख लिया, इसको भी लिखना है। साथ में क्या है, इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया। इनको हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऊपर क्या है 4, तो ये ऊपर 4 लिख दिया, नीचे 7 है, तो ये 7 आ गया। पता है आपको, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं एक्स इक्वल, इसका नाम रखते हैं बी। नाम मैंने बोला है कि आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। नहीं जी, अब हमने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स हमें हेल्प करता है एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए, ए वाई मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए। ये दोनों बनेंगे इस ए मैट्रिक्स से ही। तो पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स में आपको पता है हम क्या करते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम गायब कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम है 3 और माइनस, ये फर्स्ट कॉलम है ए मैट्रिक्स का, तो इसको हमने गायब करना है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 और ये 7। नेक्स्ट सेकंड कॉलम उसी तरह -2 और ये 4। तो ये बन गया हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स। अब हम बनाएंगे ए वाई मैट्रिक्स। ये देख लें बच्चों, ए के बिल्कुल नीचे करके छोटा सा मैंने एक्स और नीचे छोटा सा करके वाई लिखा। आपने कुछ इस तरह नहीं करना, ए के साथ एक्स नहीं लिखना, बल्कि बिल्कुल नीचे लिखना छोटा सा। ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट में है या बेस में है या डिस्क्रिमिनेंट की शक्ल में है, जैसे आप मर्जी कह लें। ये आ गया हमारे पास ए वाई। अब ए वाई में हम क्या करते हैं, ए वाई हमें हेल्प करता है वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इसमें हम ए मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम गायब करते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं 4 और 7, फर्स्ट कॉलम उसी तरह 3 -6। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं कि ए एक्स सही लिख लिया, ए वाई कैसे लिखेंगे, उनको पता है कि हमने सेकंड कॉलम गायब करना है। तो ये जो 4 और 7 है वो पहले इस तरफ लिख देते हैं और सेकंड कॉलम की जगह 3 और -6 लिख देते हैं। ये बात याद रखे, क्रैमर रूल में जिसको भी आपने गायब करना है, x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम को गायब करते हैं, y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सेकंड कॉलम को गायब करते हैं। जिस कॉलम को गायब करना है उस कॉलम की जगह पे आपने 4 और 7 लिखना है। जैसा कि ax में मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को गायब किया 3 और -6 को। तो फर्स्ट कॉलम में 3 और -6 की जगह पे लिखा मैंने 4 और 7 यहां पर, सेकेंड कॉलम उधर ही अपनी जगह पर। ay में मैंने क्या किया, सेकेंड कॉलम को गायब किया, तो सेकंड कॉलम की जगह पे मैंने लिखा 4 और 7। ये ना हो कि आप सेकंड कॉलम तो गायब कर दें और 4 और 7 इधर लिख दें, 3 और -6 सेकंड की जगह पे। नहीं, जिस कॉलम को गायब करना है उसकी जगह पे 4 और 7 को लिखेंगे हम। अब की बार फर्स्ट कॉलम उसी तरह, ये है ए एक्स और ये है ए वाई। तो ये अब हम क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने के, उससे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्रैमर रूल में एक्स की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है एक्स इक्वल है ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट है वाई इक्वल ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया सेकेंड कॉलम, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हम ए का ही डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। वो देखें जी, ए का डिटरमिनेंट इधर भी और इधर भी, यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। थ्री है माइनस टू है, माइनस सिक्स और फोर है। थ्री माइनस टू माइनस सिक्स और फोर, पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है थ्री मल्टीप्लाई फोर। फिर हम नॉन डायगोनल को, लेकिन उससे पहले माइनस फार्मूले का, माइनस सिक्स आएगा मल्टीप्लाई माइनस टू, थ्री फोर आर ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, प्लस वो वाला मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस, सिक्स टू आर ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, आंसर क्या आ गया जीरो। ए का डिटरमिनेंट का आंसर आ गया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रैमर रूल कब होल्ड करेगा, क्रैमर रूल तब होल्ड करेगा जब हमारे पास ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जीरो ना आए, बल्कि इसके अलावा कुछ भी आए, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, लेकिन जीरो ना आए। जब जब ए का आंसर जीरो आएगा तब तब हमारे पास ना एक्स की वैल्यू निकलेगी ना वाई की वैल्यू निकलेगी। वो क्यों नहीं निकलेगी, हमने क्या करना है बोर्ड में, जब हमारे पास ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा जीरो, तो वहीं पे आपने क्या लिख देना है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो सॉल्यूशन is not possible। जनाब ये जो हमारे पास A matrix है ये singular matrix है, तो ये जो हमारे पास solution होता है, ये जो हमारे पास x का और y का answer निकलता है, वो तब तब नहीं निकलता जब जब हमारे पास ये जो matrix A होगा वो singular होगा। singular कब होता है, जब हम A matrix का determinant लेते हैं तो answer आते हैं zero, उस वक्त हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। अब सपोज करें आप कहते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन, अगर बोर्ड में क्वेश्चन है तो यहीं पे आपने एंड कर देना, आगे नहीं कर सॉल्व करना। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जीरो आ जाए तो क्वेश्चन आगे क्यों सॉल्व नहीं होता, सोल्यूशन हमारे पास क्यों नहीं निकलता, मतलब कि एक्स का और वाई का आंसर क्यों नहीं निकलता, वो भी हम देख लेते हैं। हम ए एक्स का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, लेकिन आपके लिए मैं फर्दर करने लगा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब जीरो आता है तो हम फर्दर क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं करते। एक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इधर भी और इधर भी जी। एक्स में फोर माइनस टू सेवन और फोर, तो ये आ गया फोर माइनस टू सेवन और ये फोर, मल्टीप्लाई करें फोर फोर आर, ये आ गया जी फोर मल्टीप्लाई फोर, फिर माइनस फार्मूले का सेवन मल्टीप्लाई माइनस टू, फोर फोर आर सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस, सेवन टू आर फोर्टीन और ये हम आंसर आ गया हमारे पास थर्टी। ए एक्स के डिटरमिनेंट का आंसर आ गया थर्टी। ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ए वाई का डिटरमिनेंट, ए वाई के एलिमेंट है हमारे पास थ्री फोर माइनस सिक्स और ये सेवन, थ्री मल्टीप्लाई सेवन माइनस माइनस सिक्स मल्टीप्लाई फोर, पहले इनको डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करवाने से पहले माइनस फार्मूले में, थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन, माइनस माइनस प्लस, सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फोर और वन फाइव, टू और टू फोर, ए वाई का आंसर आ गया 45। अब क्या करें जी, यहाँ पर पुट करें इसको भी, एक्स का आंसर और ए का आंसर, देन एक्स की वैल्यू निकाल के चेक करें, इधर भी पुट करें ए वाई का और ए का आंसर, देन वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या बनता है जी। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ये है, इसमें आ गया जी हमारे पास x इक्वल ए एक्स का डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट कहाँ से निकला है 30
ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट का आंसर आया है जीरो। अब ये देखें, ऊपर 30 है, नीचे जीरो है, मतलब यह है कि 30 को जीरो डिवाइड करेगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा या आप वैसे यहाँ पे फिजिकली ओवरऑल क्या कर रहा करवा लें, डिवाइड करवा लेंगे। देखें 30 और यहाँ पे क्या है जीरो। अब आप चेक करें जीरो को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 30 आए। जीरो को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे नंबर क्या होते जाएंगे, वो आंसर जीरो आता जाएगा। मतलब यह है कि 30 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो जाए तो वो डिवाइड ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आंसर ही कोई नहीं आना। क्यों? क्योंकि 30 को जीरो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। जब कोई डिवाइड ना हो रहा हो इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएगा वो हमें पता नहीं है, वो बहुत बड़ा कोई नंबर है। जीरो बहुत छोटा नंबर है, 30 जीरो के मुकाबले में बहुत बड़ा नंबर। अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आए क्या 30। वो बहुत बड़ा नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि वो अनडिफाइंड है, जिसको हम लिख देते हैं इन्फिनिटी। समथिंग ओवर जीरो हमेशा क्या आता है, अनडिफाइंड, जिसको हम क्या लिख देते हैं इन्फिनिटी। ये वजह है कि हम क्वेश्चन ग्रामर रूल या इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करते हुए पहले ए का डिटरमिनेंट क्यों मालूम करते हैं कि आया कि हमें पता चल जाए कि आंसर जीरो तो नहीं आ रहा। अगर आंसर जीरो आ गया तो हमने ये लाइन लिखनी है, इट इज अ सिंगुलर मैटर, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल और क्वेश्चन एंड। अगर क्वेश्चन जीरो ना आया तो फिर हमने फर्दर ए एक्स का भी और ए वाई का भी डिटरमिनेंट निकालना है, वैल्यूज पुट कर लिया और आंसर निकालने जैसे मैं पहले निकालता आ रहा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लीजिएगा 30 डिवाइड बाय 0, तो वो कैलकुलेटर भी आपको बता देगा एरर कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लिखते हैं क्या क्रैमर रूल जो है वो होल्ड कब करता है, जब ए के डिटरमिनेंट का आंसर कुछ ना कुछ आए, जीरो ना आए बल्कि इसके अलावा कोई और नंबर आए, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में, तब तब क्रैमर रूल होल्ड करेगा, तब तब हमारे पास एक्स और वाई के आंसर निकलेंगे, मतलब हमारा सोल्यूशन सेट निकलेगा। ये यहाँ पर वाई के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका यहीं पे ही एंड हो चुका था। ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया ताकि आपको पता लग सके कि जब हमारे पास जीरो आंसर आ जाता है तो टीचर यहाँ क्वेश्चन को इधर ही छोड़ क्यों देते हैं, एक्स और ए वाई को फर्दर सॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि सॉल्व करने के बाद होना क्या है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है जो यहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया है। क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो चुका था। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।